Mr. Tamira, this year your performance has been very, very impressive. I must tell you, you are an asset to our company. Thank you. In fact, you are one of our best performers. But this year, we have lost a few big clients, as you would be aware about it. नाटक है सब, अप्रेजल, गोल्स, टारगेट, सब नाटक है कॉर्पोरेट वालों का. हर साल कुछ ना कुछ बहाना दे देते. यू वर गुड बट नॉट अप टू द मार्क, इसलिए इतना ही मिलेगा. यू वर अप टू द मार्क बट नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इसलिए नो प्रमोशन. यू वर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट वी हैव लॉस्ट क्लाइंट्स, इसलिए कुछ मिलेगा ही नहीं. ये बीयूटी बट नहीं, बीयूटीटी बट है. झगड़ा किया तो क्या मिला मुझे? 5%. इस साल इन्फ्लेशन 8% था. एंड देन वी हैव द ऑडेसिटी टू टेल यू प्लीज कीप इट कॉन्फिडेंशियल. मैं पागल हूं जो मैं जाकर लोगों को बताऊंगी कि मुझे 5% मिला है. ये भी बोलेंगे कि हमने तुमको 25% ही दिया हुआ है. कब? जब मेरी सैलरी 10,000 रुपए थी. 10,000 रुपए के 25% 2,500 रुपए होते. इससे ज्यादा ना एक साल में कैशबैक दे देते. और हर साल अप्रेजल 3-3 महीने से डिले कर देते. मार्च में बोलेंगे जून में होगा, जून में बोलेंगे सितंबर में होगा, सितंबर में बोलेंगे जैन में होगा, और फिर जैन में आके बोलेंगे अरे तुम तो जैन के साइकिल में हो ही नहीं, तुम तो अगले वाले में हो. ऐसा करके पूरे साल का इंक्रीमेंट खा जाएंगे. खून चूस लेते ये लोग. पता है मार्केट में ना डेंगू मलेरिया के मच्छरों के लिए दवाइयां हैं, लेकिन उन कॉर्पोरेट वाले मच्छरों के लिए है ही नहीं. क्यों? कैपिटलिज्म. वो पिक्चर रॉकेट से ऐसी फ्लॉप नहीं हुई थी, करवाई गई थी इन कॉर्पोरेट वालों ने. अरे ये तो सच्चाई दिखा दी, सोल्यूशन भी दे दी, कंपनी चलेंगी कैसे? चलेंगी. अरे ऑफिस आधा घंटा लेट आओ, आधा घंटा लेट आओ तो हाफ डे, 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करो तो उसका कुछ नहीं. क्या मिलती है? लेकिन मिनिमम 5 लड़कियां होगी तो फिर वो सारी लड़कियों को छोड़ेंगे और आखिर में नंबर आएगा मेरा. पता है इससे जल्दी मैं बीएसटी बस से पहुंच जाऊंगी. दिना भी मिलता है लेकिन इसकी भी लिमिट होती है, 100 रुपए पर है. 100 रुपए में क्या मिलता है? 100 रुपए में मिलता है रस्ते का खाना, और रस्ते वाले तो बिल देते नहीं है, तो तुम रेस्टोरेंट से मंगवाओ क्योंकि वो लोग बिल देते. और रेस्टोरेंट पे क्या मिलता है 100 रुपए में? पापड़. मैं पापड़ खाऊ डिनर में, सो यू एंड अप पेइंग फॉर योर फकिंग फूड. और इफ यू वॉन्ट दिस मनी बैक, अगर ये पैसे तुमको, सुनो, अगर ये पैसे तुम्हें वापस चाहिए भी तो ये आसान नहीं है. इट्स नॉट दैट सिंपल. इसके लिए ये फॉर्म भरो, फिर वो फॉर्म भरो, फिर तुम बिल की फोटोकॉपी करो, फिर सिग्नेचर लो अपने बॉस से, और ऐसे करते 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 ये बिल जाएगा फाइनेंस के पास. उसके बाद में होंगे 3 लेवल्स. उन 3 लेवल्स को पार करने के बाद अगर तुम्हारे पैसे वापस आते भी है तो वो पूरे नहीं आएंगे, काट के देंगे. बोलेंगे अरे इतना कितना खाते हो, व्हाई डोंट यू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, व्हाई डोंट यू गो होम ऑन टाइम. और ये फाइनेंस वाले तो दिमाग खराब करते ही है, ये एचआर वाले करते हैं दिमाग का दही. क्यों है ये एचआर वाले? नहीं क्यों है? व्हाई डू दीस पीपल एग्जिस्ट? बस हर साल न्यू ईयर पे मोटिवेशन के नाम पे डिनर सेट दे देते हैं. क्यों? क्योंकि मैं औरत हूँ. 3-3 डिनर सेट है मेरे पास, मैं क्या करूँ? और मेरे घर पे डिनर करने आएगा कौन? क्योंकि डिनर के वक्त तो पूरा हिंदुस्तान ऑफिस में होता है. सिरेमिक के प्लेट में क्या खाऊं मैं? दाल चावल? ये बात बात में साड़ी पहनने क्यों बोल देते हैं? 15 अगस्त है, साड़ी पहनो. दिवाली है, साड़ी पहनो. इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहा, साड़ी पहनो. आसान है साड़ी पहनना, यूट्यूब पे जाके वीडियो पॉज कर करके घुमा घुमा के साड़ी पहननी पड़ती है. डोंट वांट टू वेयर अ साड़ी. तो रिजाइन कर देना. रिजाइन? अगर तुमको रिजाइन करना है तो तुम्हें उन्हें 3 महीने पहले की नोटिस देनी पड़ेगी, और उन 3 महीनों में वो तुमसे ऐसे काम करवाएंगे जैसे कि तुम थे. तभी तो ये कंपनी चल रही थी, बनाई कंपनी तो कब की बंद हो जाती. और अगर इन 3 महीनों में तुमने छुट्टी ले ली थी तो तुम्हारा लास्ट डे एक्सटेंड करते जाएंगे, वरना सैलरी काटेंगे. छुट्टियों को पे में कन्वर्ट करो तो बेसिक सैलरी मिलेगी, लेकिन जब कटेगी पर डे के हिसाब से कटेगी. ये लोग जब पूछते हैं इंटरव्यू में वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, साले मजे के लिए पूछते, बिकॉज दीज बास्टर्ड्स नो दैट आफ्टर 5 इयर्स मुझ जैसा इंसान तुझ जैसे के साथ इस जैसे बार में बैठकर उन जैसे लोगों को पीठ के पीछे गाली ही दे रहा होगा. चुप चुप हो जा, एक शब्द नहीं बोलेगी तू. ऑल नॉट अ